हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटी हेलमेंट्स। जो प्लैटी हेलमेंट्स है फाइलम, इसको हम तीन क्लास में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास है इसकी टर्बुलेरिया, सेकंड क्लास है इसकी ट्रिमेटोडा और थर्ड क्लास है इसकी सिस्टोडा। ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्लास इसके डिस्कस करते हैं, डैट वन इज टर्बुलेरिया। इस क्लास के अंदर जो इनके मेंबर्स आते हैं वो कौन से आते हैं, इनके प्लानेरिया। जैसे अभी आप डायग्राम पे देख रहे हो, ये प्लानेरिया की डायग्राम है, देन डुक्सिया और इस तरह से और भी बहुत इंडिविजुअल इस क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो इस क्लास के जो मेंबर हैं मोस्टली होते हैं कैसे, वो फ्री लिविंग इन नेचर, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कैसे होते हैं, पैरासिटिक नेचर या कमेंसल इन नेचर। ठीक है, कमेंसल या कमेंसलिज्म वो होता है जिसपे दो ऑर्गेनिज्म का एक एसोसिएशन या आप कैसे होते हैं रिलेशनशिप होता है, जिसपे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। आप कह सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड की रिक्वायरमेंट लेता है और बदले में उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि कमेंसल ऑर्गेनिज्म या कमेंसलिज्म वो एसोसिएशन होगी या वो रिलेशनशिप होगा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को किसी तरह का कोई आप कह सकते हो बेनिफिट या हार्म दूसरे से नहीं होगा। ठीक है, देन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज अनसेगमेंटेड। ठीक है, इनकी जो बॉडी होगी वो सेगमेंटेड नहीं होगी और इनकी बॉडी को कवर करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड एपिडर्मिस, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिस्कस किया था। ठीक है, देन इनके पास प्रेजेंट होते हैं एडिसिव ग्लैंड्स जो एक एडिसिव सेक्रेशन को सेक्रेट करते हैं जिससे ये अपने सबस्टेटम के साथ क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। माउथ इनका वेंट्रल नेचर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आगे इसके डॉर्सल सरफेस और ये इसका वेंट्रल सरफेस पे दिखाया है, वेंट्रल सरफेस पे इनका प्रेजेंट होगा माउथ। ठीक है, और माउथ से क्या होता है कि ये अपने फेरिंग्स के वाले पार्ट को बॉडी से बाहर की तरफ क्या कर सकते हैं, प्रोट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मतलब कि माउथ से इनका जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वो उनकी बॉडी से बाहर की तरफ क्या हो जाता है, एक्सटेंड या प्रोट्यूट हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इनके कंडीशन पे होते हैं वो होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, जिनको हम कहते हैं क्या, फ्लेम सेल्स। जैसे उनके करेक्टरिस्टिक्स पे भी डिस्कस किया था फाइलम प्लैटी हेलमेंथस में कि प्रोटोनेफ्रिडिया एज वेल एज लेटरल कैनाल्स जो हैं वो फाइलम प्लैटी हेलमेंथस के क्या रहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जो इनका आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम जो गट है वो क्या होता है, इनका ब्रांच्ड होता है। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम पे देख सकते हो, ये जो बीच वाला आपका ब्राउन पार्ट नज़र आ रहा है ये है इसका गट वाला पार्ट और ये इसकी क्या निकल रही है, ब्रांच। ठीक है, इट मींस कि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम या जो इनकी गट है वो क्या होगी, ब्रांच्ड होगी और ब्रांच इनका ऑलमोस्ट पूरे पार्ट बॉडी पार्ट तक इनका एक्सटेंड करता है, जिससे क्या होगा कि जो इनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है ये एक्ट करती है इस तरह से कि जो फूड डाइजेस्ट भी होता जाएगा और बॉडी के हर पार्ट पे वो डिस्ट्रीब्यूट होना भी वो शुरू हो जाएगा। देन प्लानेरियन जो हैं, जिसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनके पास एक रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो हमने पहले भी कहा था इनके करेक्टरिस्टिक्स पे कि रीजनरेशन वो प्रॉपर्टी होती है कि जिस प्रकार इनका कोई एक बॉडी पार्ट ब्रेक हो जाए तो वो बड़े इजी ढंग से पूरे एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और ये रीजनरेशन की पावर उनके पास कैसे आती है कि उनके पास टूटी पोटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं कि नियोब्लास्ट सेल्स, वो एक्चुअल में इनके रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इनकी मोस्टली डायरेक्ट होगी बट इन पे कुछ कंडीशंस पे इनके दो लार्वे भी देखे जाते हैं जिसको हम कहते हैं मुलर लार्वा या गोटी लार्वा, वो कुछ फॉर्म्स पे प्रेजेंट होगा, अदरवाइज इनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, डायरेक्ट होगी। नेक्स्ट क्लास आ जाती कौन सी, ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा पे आप मोस्टली कह सकते हो मेंबर या इनकी एग्जांपल आती है लीवर फ्लू, जो आपके ह्यूमन के कंडीशंस पे भी इन्फेक्ट करते हैं या गोट्स या कैटल्स उनको भी क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका नेचर कैसे होगा, पैरासिटिक इन नेचर और पैरासिटिक पे ये
एक्टोपैरासाइट मतलब आउटसाइड दी होस्ट बॉडी भी रह सकते हैं, और एंडोपैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर भी ये रह सकते हैं, ठीक है। बॉडी इनकी भी अनसेगमेंटेड होगी, जैसे हमने पहले फर्स्ट क्लास टर्बुलेरी की बात की, और इनकी बॉडी भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी। और कैसी होगी? लीफ लाइक। प्लानेरियन की बॉडी भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, लीफ लाइक होती है। तो ट्रिमाटोडा के मेंबर की भी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है और वो लीफ लाइक होती है। टैगुमेंट इनकी थिक होगी बट विदाउट सीलेट। टैगुमेंट हो गया जो इनकी बॉडी को कवर करने के लिए बाहर एक इसके हार्ड एक कवरिंग होगी, उसको क्या नाम देते हैं? टैगुमेंट। बट उस पर किसी तरह का कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ टर्बुलेरी हमने कहा था कि बॉडी को कवर करती हूँ कि सिलेटेड एपिडर्मिस, ठीक है। बॉडी इनकी भी अनडिवाइडेड होती है, कवर्ड विथ क्यूटिकल होगी। इसी टैगोमेंट को ये हम क्यूटिकल, ये आपस में मिक्सअप या इंटरचेंजेबल हम टर्म भी यूज़ करते हैं, ठीक है। माउथ इज सराउंडेड बाय ओरल सकर। आप देख सकते हो कि ये इसके माउथ ओपनिंग है और इसको सराउंड करके एक ओरल सकर, ठीक है। जब हमने इनके करेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे वहाँ पे भी हमने कहा था कि पैरासिटिक फॉर्म के पास कुछ एडवांस या एडिसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रांग, आप कह सकते हो, कनेक्शन डिवेलप कर सकें किसके साथ? अपने होस्ट के साथ, ठीक है। इसलिए इनके पास सकर्स, हुक्स या स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। और इन केस ऑफ फ्लुक्स इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? माउथ के सराउंड करते हैं एक ओरल सकर जो उसकी अटैचमेंट पे हेल्प करेगा। उसके अलावा इसकी वेंट्रल सरफेस पे एक बिल्कुल नेक वाले रीजन पे एक बड़ा सर्कल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, वेंट्रल सकर या एजिटे बोलम। ये भी इसके अटैचमेंट के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा इसके होस्ट के साथ, ठीक है। इनके भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट हो गए? प्रोटोनेफ्रिडिल या फ्लेम सेल्स। डाइजेस्टिव ट्रैक इनका कैसे रहेगा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का ये मतलब है कि माउथ ओपनिंग तो प्रेजेंट होगी बट वहाँ पे एनस क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक या गट है वो किससे बने होगा? एंटीरियर पे इनका माउथ प्रेजेंट होगा जिसको सराउंड करेगा ओरल सकर। देन फिर प्रेजेंट होता है इनका फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद जो इनका इंटेस्टाइन है वो दो ब्रांच में, या आप कह सकते हो बाइफिड में क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा और पूरी बॉडी के लास्ट तक वो क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा और एंड हो जाएगा ब्लाइंडली, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई एनएस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ये होते हैं हर्मोफ्रोडाइट, मोनेशियस या आप कह सकते बाइसेक्चुअल, कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एक इनकी प्रेजेंट होती है सिंगल ओवरी, और दो या दो से ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो सकते हैं इनके पास? टेस्टिस, ठीक है। जो नेक्स्ट क्रेटिस्ट भी कह रहे हैं कि सिंगल ओवरी प्रेजेंट होगी और दो या दो से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होंगे इनके पास? टेस्टिस, ठीक है। इनकी डेवलपमेंट पे वेरिएशन होती है, जो तो एक्टोपैरासाइट है उनकी डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट, और जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट। उनके कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा लार्वल फॉर्म्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और वो लार्वल फॉर्म इनकी जैसे मेरिसिडियम लार्वा हो गया, स्पोरोसिस्ट हो गया, सर्केरियल लार्वा हो गया, मेटासर्केरी हो गया, देन फाइनल फिनिंग का क्या बनता है? अडल्ट बनता है। इट मीन्स कि कुछ के कंडीशन पे इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट अगर वो एक्टोपैरासाइट है, अगर वो इनडायरेक्ट हो रही है इट मींस कि वो कैसा है? एंडोपैरासाइट इन नेचर। लास्ट क्लास की आ जाती है सिस्टोडा, जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या आती है? टेप फॉर्म। इसलिए हम इसको टेप फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है आपका क्या? एंडोपैरासिटिक इन नेचर, क्योंकि ये होता है इसके इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट। इंटेस्टाइन जो हमारी ह्यूमन बींग्स की हैं उनके इंटेस्टाइन पे क्या प्रेजेंट होता है? ये एंडोपैरासाइट, जिसको हम कहते हैं टेप वाम, ठीक है। इसकी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेगमेंट्स या मैनी सेगमेंट्स में क्या होती है? डिवाइडेड होती है, और उन सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्लैटिड, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो बॉडी जो है इसकी रिबन लाइक, ये क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। देन इन सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्लैटिड, ठीक है। और बॉडी की इसकी शेप आपको कैसे नजर आती है? ये भी ऑलमोस्ट डॉर्सोवेंट्रली क्या होगा? फ्लैट होगा, और रिबन लाइक आपको ये क्या होता है? अपेयरेंस में नज़र आता है, ठीक है। इनकी बॉडी पे भी किसी तरह के कोई एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट नहीं होती, ना ही सीलिया प्रेजेंट होता है। तो इनकी बॉडी को भी कवर करने के लिए वही क्यूटिकल और टैगुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट होगा, जैसे हमने कहा इन केस ऑफ जो क्लास सेकंड इनकी ट्रिमेटोडा या फैशुला
मेजर फ्लूक में जो है इनके, ठीक है। देन इनका जो एंटीरियर वाला एंड होता है या हेड रीजन है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्कॉलक्स। और इसके हेड वाले रीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके एडिसिव स्ट्रक्चर्स। और वो एडिसिव स्ट्रक्चर्स में इनके पास चार क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स के स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम आगे इसका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेपवर्म, वहाँ पर हम इसको थोड़ा डेप्थ पे स्टडी करेंगे। देन माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इनके कंडीशन में टोटली अब्सेंट रहेगा, ये मैंने आपको इनके करेक्टरिस्टिक्स पे भी बताया था। क्यों अब्सेंट रहता है, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे टेप फॉर्म, तो वहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे फूड प्रेजेंट है, इसलिए इनको उस फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इनकी एक पैरासिटिक एडॉप्टेशन भी आती है, जिससे वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से वहाँ से अब्सेंट कर देते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन से, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इनका भी प्रोटोनेफ्रिडियल विद फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम जो है वो इनका कंप्राइज करता है ए पेयर ऑफ गैंग्लिया एंड टू लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड। इसका मैंने आपको डायग्राम करेक्टरिस्टिक्स पे भी बताया था कि मोस्टली लैडर लाइक जो अपेयरेंस है नर्वस सिस्टम, वो इस प्लैटी हेलमेंट्स के मेम्बर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ईच मैच्योर सेगमेंट आर प्रोग्लॉटिड्स मोनेशियस। जो हमने कहा कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट को हमने क्या नाम दिया, प्रोग्लॉटिड्स। तो हर एक सेगमेंट के पास अपना एक इंडिविजुअल क्या प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो एक सेगमेंट पूरी तरह से सफिशेंट होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और उस प्रोग्लॉटिड के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उस सेगमेंट को क्या नाम दे रहे हैं, मोनेशियस बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट, कि उसके हर एक सेगमेंट के अंदर मोस्टली जो मैच्योर सेगमेंट हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि इसके कंडीशन पर इनको एक या एक से ज़्यादा होस्ट की क्या पड़ती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। ये भी हम जब इनका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे या रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे टेपवर्म की, वहाँ पे आपको हम थोड़ा और इसका क्लियर कर देंगे। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ही आएगा कि इसका रिप्रोडक्शन देन स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल ऑफ टेप वर्म, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।